सुचिता मौसी इधर और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जो हमने शॉर्टकट में बड़े ही सेलिब्रेट किया है घर पे। तो उस दिन सबसे पहले भाभी का नज़र उतारा गया कुछ इस तरीके से तवे पे कोयला जलाकर। अभी डॉक्टर के अकॉर्डिंग बुआ को लोगों से दूर रखना है क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। करेंगे फंक्शन बड़ा सा जब बाबू अच्छे से ठीक हो जाएगा तो फिर करेंगे। अभी तो फिर सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हमारी और भाभी के फैमिली मेम्बर्स थे। और इनसे पीलिए, ये जो येलो साड़ी में दिख रही हैं आपको, ये भाभी की मम्मी हैं, आंटी हैं, तो ये भाभी को सिंदूर लगा रही है, फिर मुझे भी लगाएंगी। और कुछ इस तरीके से जो विधि होता है बड़ी का वो स्टार्ट हुआ, सब लोग तैयार होंगे। आंटी तैयार होके आई थी, येलो साड़ी पहन के आई थी, बाकी भी सभी लोग येलो कलर का। भगवान भोग तो प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर मैं आ गई रेडी होकर यहाँ पे काजल सेकने के लिए, जो बहुत ही टिपिकल काम होता है और एक अलग ही हैप्पीनेस होती है इसमें, क्योंकि ये जो अधिकार होता है वो बुआ का होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है काजल सेकने में। और इस तरीके से प्लेट में ना मम्मी ने अरेंजमेंट करके दिया है ताकि उस पर रख कर काजल सेका जाए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि काजल सेकने वाला थोड़ा साइज़ में छोटा था तो बन नहीं रहा था। बट फिर भी मैंने अच्छे से कर लिया ये जो विधि होता है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं नेक वगैरह या फिर जो भी होता है वो सब बाद भी होगा, अभी बस हम लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बहुआ के लिए, बस सब अच्छे से हो जाए। और इतनी गर्मी है, हालत देख सकते हैं, पूरा स्वेटिंग हो रखा है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ और अभी काजल सेक रही हूँ बहुआ के लिए, बुआ होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ रहा है। बाकी खुशी एक तरफ, ये खुशी एक तरफ, दोनों। तो पता नहीं कितने देर में सीखेगा, अभी दिखाती हूँ कितना हुआ है मेरा काम। टाइम लगेगा काजल को मतलब पूरा कलर आने में, लगभग आधा घंटा तो ज़रूर ही लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाएगा पूरा अच्छे से होने में। तब तक के लिए बैठी रहूँगी और गर्मी इन्जॉय करती रहूँगी, ह्यूमिडिटी स्वेटिंग सब इन्जॉय करती रहूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, वीडियो में। और अभी तक इतना ही हुआ है और ये वापस से चलाना पड़ेगा। कुछ ऐसा दिमाग ऐसा कुछ दिमाग लगाया मैंने और वो बीच बीच में थोड़ा बुझ जा रहा है, तो कोई नहीं, हो जाएगा ऐसे करते करते, क्योंकि ये पीतल का ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अभी यहाँ ये वाला सिंदूर लगाया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में से ही होता है पूरा नाक से, कोई भी ऐसा फेस्टिव ओकेशन होता है तो ऐसे नाक से पूरा सिंदूर लगाया जाता है, तो वही हुआ है। तो गई अभी यहाँ पर हो रहा है फोटो सेशन, सब ने येलो येलो ड्रेस पहना है। ये है बउआ की नानी, ये है बउआ की दीदिया जी, है ना मम्मी, पापा ने तुम चेहरा, और सुचिता बउआ की मासी, और ये मम्मा, और ये रहे बउआ के मामा जी। हेलो, अभी फोटो सेशन हुआ है जमकर, तो शेयर करूंगी आप लोगों से बट कुछ दिन के बाद, अभी सरप्राइज रहेगा। बउआ के पापा, बउआ की दादी, बउआ के पापा बाहर है, वहाँ चलेंगे। तो गईज यहाँ पे भाभी को खोइचा दिया जा रहा है जो भाभी की मम्मी दे रही है, आंटी जी दे रही है भाभी को। तो ये प्रथा है जो किया जाता है हमारे साइड, तो इस तरीके से खोइचा दिया जाता है।
अब जो विधि होती है वो हो गई। अब इस तरीके से भाभी पूरे घर में बउआ को लेकर घूमेंगी और खुद भी जाएंगी। इतने दिन से भाभी सिर्फ अपने रूम में ही थी। हमारे ऐसा होता है कि जब तक बड़ी नहीं हो जाता या छठी नहीं हो जाता तब तक जो मम्मी होती है उसको घर भी रहना पड़ता है, पूरे घर में नहीं घूमना होता। तो इस तरीके से अब वो पूरे घर में घूमेंगी। सबसे पहले भगवान के दर्शन कराएंगी बउआ को, खुद भी करेंगी। इतने दिन से बउआ इस रूम में नहीं आया था, भाभी भी नहीं आई थी, तो यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है। बउआ को लेकर बैठी है भाभी। और इस तरीके से आज का दिन के बाद घर में शुद्धता आ जाती है और पूरे घर का बेडशीट वगैरह सब चेंज किया गया था, सुबह ही चेंज किया गया था। और यहाँ पे सब लोग आके अभी बरंदा में जहाँ पे मेरे पापा की फ़ोटो लगी है यानी बउआ के दादाजी, तो बउआ उनको प्रणाम करेगा। अगर वीडियो किसी भी मोमेंट पे अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रोसेस में सिर्फ मतलब हमारी फैमिली मेंबर्स है और भाभी के फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब बस बाकी किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। रीज़न आपको पता ही है कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं इन्विटेशन दिया गया है, तो आई होप आप समझ सकते हो। बाकी भगवान से प्रे कीजिए सब अच्छा हो, मंगलमय हो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए, बउआ और अच्छे से हेल्दी हो जाए, तो फिर पूरा जिस जहाँ भी स्माइली वगैरह दिख रहा था वो सब हटा कर मैं रियल वाला डालूँगी, पिक्स वगैरह सब शेयर करूँगी आप लोगों से। और उस टाइम का भी होगा फंक्शन वगैरह, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। बस प्लीज़ खूब सारा प्रे कीजिए कि बउआ जल्द से जल्द हेल्दी हो जाए। आपके बेस्ट विशेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बउआ हो गया आज बड़ी वाला प्रोसेस जो है, और अभी बाकी और भी चीज़ें आने वाली, एडवेंचरस, एक्साइटिंग। बस आप लोगों अपना बेस्ट विशेस देते रहिएगा कि बउआ बहुत जल्दी से हेल्दी हो जाए। फिर फेस रिवील करूँगी और बताऊँगी बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, ठीक है? अभी तक ये सब सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ प्रे करते रहिएगा। और भाभी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये ट्रेडिशनल, क्योंकि बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा कि भाभी कैसी लग रही है ये ट्रेडिशनल बिहार के ड्रेस में। और ये पहना इन्होंने नथिया इधर, और ये इधर टीका चूड़ी, और ये येलो कलर की साड़ी। ये हम लोग को भी पैसा मिल रहा है तीनों आदमी को। अरे 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 बाहर में पड़े गए और मिलने वाला नहीं। ये देखिए जो नहीं कमाता है वो हरा हरा रोटी निकाल रहा है, जो कमाता है वो बैग नहीं रोटी। अरे वाह, बना 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 ये भी वो खींची लेते हैं कि भाई अब मेरा हाथ खाली है। अब नहीं कॉपी दीजिए, हमने अपना हाथ हम लोग के पास करो, ऐसे करो, पैसा बता रहा है ऐसे करो, ऐसे ऐसे हम लोग जैसे रखे हुए। दो नोट, एक ही नोट देना चाहिए। और ये सब बना है बढ़ई का खाना, जो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको दिखाना। ये पापड़ और पांच तरीके की अलग अलग पकौड़ियाँ जिसको तरुआ बोलते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स के, दाल, रसगुल्ला, सैलेड, पपीता का सब्जी है, तुरई की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, चावल,
और इसमें सब कुछ हेल्दी खाना है, सिर्फ एक तरुआ जो है वो विधि होता है, 5 तरीके का अलग अलग तरुआ खिलाया जाता है। और बउआ को गोद में रखकर, मतलब जो बेबी होता है उसको गोद में रखकर फिर माँ को ये सारा खाना खाना होता है, उसके बाद फिर सब लोग, हम लोग सभी खाना खाएंगे। और इस तरीके से हमने बड़े का दिन सेलिब्रेट किया।